सोशल मीडिया पर हर कोई अपना अपना ज्ञान लेकर आ जाता है और खासकर नफरत का एजेंडा चलाने वालों को बस एक मौका चाहिए और यही मौका इन नफरत का एजेंडा चलाने वालों ने नीरज चोपड़ा की एक खबर से निकाल लिया। लेकिन जिस खिलाड़ी ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, अब उसने खुद ट्विटर पर आकर इस नफरत का एजेंडा चलाने वालों को करारा जवाब दिया। ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात रखी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे कमेंट को अपने गंदे एजेंडा को आगे बढ़ाने का माध्यम न बनाएं। स्पोर्ट्स हम सबको एकजुट होकर साथ रहना सिखाता है और कमेंट करने से पहले खेल के रूल्स जानना जरूरी होता है। नीरज चोपड़ा ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वह कह रहे हैं कि आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी से इतना प्यार मिला। एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जैवलिन पहली थ्रो करने से पहले मैंने पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम से जैवलिन ली। कुछ लोगों ने उसका बड़ा मुद्दा बना दिया है जो कि बड़ी सिंपल सी बात है। जो भी पर्सनल जेवलिन रखते हैं तो उसे सभी यूज कर सकते हैं, ये नियम है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को मेरा सहारा लेकर मुद्दा बना रहे हैं। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलकर चलना सिखाता है। हम सभी खिलाड़ी प्यार से रहते हैं, कोई भी ऐसी बात न कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। बता दें कि नीरज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं फाइनल की शुरुआत करने से पहला अपने जेवलिन तलाश कर रहा था तो मुझे नहीं मिला। अचानक मैंने देखा कि अरशद नदीम मेरे जेवलिन लिए घूम रहा है। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा जेवलिन है, दे दो, मुझे इसे थ्रो करना है। तब उन्होंने वापस कर दिया। तभी आपने देखा होगा कि मैंने पहला थ्रो जल्दबाजी में फेंका था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में उनकी तारीफ भी की थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम होने की वजह से कुछ लोग सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाने लगे, जिसका नीरज चोपड़ा ने ये वीडियो जारी करके कड़ा विरोध जताया। आप भी सुनिए नीरज चोपड़ा ने क्या कहा। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो एक जो जेवलिन है पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नजीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोर उसे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है। जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफ़ी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। थैंक यू।